ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे जो गंगाजल है उसकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में। वैसे तो आप भी जानते हैं पर उसमें बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियां शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए, गंगा नदी को हिंदू धर्म में माँ की संज्ञा दी गई है। ये नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, होली रिवर्स। भागीरथ की घोर तपस्या के कारण गंगे पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा जी जो हमारी है भागीरथ की वजह से आई है और मनुष्यों के पापों को धोने लगी। हरिद्वार में इसी नदी के घाट पर अस्थि विसर्जन किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने वालों की आत्मा को शांति मिलती है। तो चलिए मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि इसकी जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। भोजन कुतूहल ग्रंथ में बताया गया है कि गंगा जल बुद्धि बढ़ाने वाला और पाचन तंत्र को मजबूत करने की शक्ति रखता है। अब देखिए, हम इस गंगाजल की बात नहीं कर रहे हैं जो गंगाजल कलकत्ता से हुगली से होके निकलती है। सीधी बात, हम उस गंगाजल की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो। गंगा के जल में इतनी शक्ति होती है कि उसमें गंदा पानी मिलाने पर उसके भी कीटाणुओं को मार देता है। यदि किसी व्यक्ति को काली नजर लग गई है तो उसे आप गंगाजल के छींटे मार दीजिए, काली नजर का प्रभाव काफी कम हो जाता है। यदि सोमवार को शिव पूजा में आप शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगाजल विज्ञान के लिए भी चमत्कार है क्योंकि ये सालों तक बोतल में रहने के बाद भी खराब नहीं होता। किसी भी नदी में ये जो चमत्कार है, किसी नदी के जल में ये चमत्कार नहीं है। मरने वाले के गले में यदि गंगाजल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। यदि रात्रि में गंगाजल के बिस्तरों पे छाटे मारकर सोया जाए तो बुरे और डरावने सपने नहीं आते हैं। मतलब रात्रि में जब आप सोते हो, जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो वहाँ पे आप छींटे मार दीजिए गंगाजल के, तो बुरे सपने कभी नहीं आएंगे। जिस घर में गंगाजल रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में सुख समृद्धि पाई जाती है। जो व्यक्ति रोज गंगाजल पीता है वो निरोगी रहता है और अधिक उम्र तक जीवन व्यतीत करता है। तो ये चमत्कार है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।